भाई जगह की कमी है, प्राइवेसी हैंडल करने के लिए थोड़ा तो हैंडल करना पड़ेगा ना। हेलो दोस्तों, लेके आ गए एक और वेब सीरीज के साथ जिसका नाम है चावल हाउस चरम सुक्का। यहाँ पर क्या होता है कि रोनित नाम का एक लड़का मुंबई जाता है, मुंबई जाके जॉब ढूंढना चाहता है। तो मुंबई में जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे उतरता है, वहाँ से कार पकड़ लेता है, टैक्सी, और अपनी माँ से बात करता है। तो माँ बोलती है कि पहुँच गया कि नहीं पहुँचा, तो कि कब तक पहुँचेगा। माँ ये इलाहाबाद नहीं है कि यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की तो जल्दी पहुँचूँ, ये मुंबई है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में पता नहीं घंटों भर लग जाते हैं। अच्छा हाँ माँ, तो कुछ मामा के यहाँ ही रुक ना, ठीक है। हाँ मैं मामा के यहाँ ही रुकूँगा, पर अगर यहाँ झोपड़ी ले लेता ना, मतलब स्टेशन के पास, तो काम हो जाता। पर नहीं 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 मामा के पास रुक, मेरे को चिंता तो नहीं रहेगी कम से कम। अच्छा काम है यार मामा के पास रुकने में, और तो ज़्यादा अच्छा है, पैसा भी नहीं लगेगा, ऊपर से रहने की सुविधा भी मिलेगी, ऊपर से खाना भी मिलेगा, तो क्यों बंदा वहीं तो जाएगा जब सर्व सुविधा युक्त घर मिलेगा, तो क्या मज़ा ही कुछ और होगा। जैसे ही लड़का उनके घर पहुंचता है, उसकी जो मामी है आती है, तो मामी के चरण छूता है। वाह क्या बेटा आ गया रोनित, अरे वो कौन है? वो तेरे भानु भैया है ना, उनकी वाइफ है रेनू। अच्छा रेनू, और जैसे ही रेनू तो अपना पल्ला गिरा, पल्लू गिरकता है धीरे धीरे, वो पल्लू गिरा रही बार बार। वो फिर आती है, फिर बोलते पानी लेके आना, वो पानी लेके पानी देती है बंदे को। और यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि भानु की बहन होती है। वो भानु की बहन जो जींस पहनती है, वो इतनी बड़ी जींस पहनती है कि अंदर कोई भी जाके समा जाए, पूरे वाह कमाल की जींस है। और तो अब आगे की स्टोरी चालू होती है। अब यहाँ पे सब लोग बैठते हैं, मामा बैठ गया था, मामा बोलता है हम दोनों के लिए चाय लेके आओ, मामी बैठ जाती है तो मामी बोलती है हम तीनों के लिए चाय लाना रेनू। अब वो चाय पिलाती है तीनों को। अब आता है लड़का, नहाने जाता है, कपड़े वपड़े खोल देता है, तो रेनू उसको देखती है और रेनू को भी पसंद आ जाता है लड़का। अरे वाह क्या कमाल का लड़का है रे, सुंदर चखास। और बाथरूम में जाता है, तभी वो लड़की आ जाती है और वो लड़की रेनू से पूछती है वो लड़का गया हुआ है अंदर, कि हाँ गया हुआ है, तो क्या हुआ, तुझे नहीं पता क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? अरे वो पर रखा हुआ है। अच्छा वो रखी हुई है, हाँ उससे पता चल जाएगा किससे कितना बड़ा है। अब क्या होता है कि वो जो बंदा बाथरूम में गया, तो वहाँ पर ब्रा और पैंटी रखी हुई थी, तो उसी ब्रा को देखते हुए साइज का पता चल जाएगा कि किसकी साइज़ बड़ी है, किसकी साइज़ छोटी है। तो दोस्तों यहीं इस वेब सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड द एंड करते हैं।